गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है मेकअप लुक, जो कि आप पार्टी मेकअप लुक भी कह सकते हो। आप पार्टी है, जैसे कि वेडिंग सीजन्स आने वाले हैं, तो ये मेकअप बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाता है गाइस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितनी आसानी से आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर अपने फेस को वॉश करूँगी। क्लीन क्लियर का ये नया फेस वॉश लॉन्च हुआ है गाइस। तो फेस वॉश करना मस्ट इसलिए होता है गाइस, क्योंकि मेकअप हमारा डल नहीं दिखेगा। तो इसलिए फेस वॉश करके ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी मेकअप स्टार्ट करें। तो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ गाइस अपना स्किन केयर। तो स्किन केयर करके अगर आप मेकअप क्रिएट करते हो ना गाइस, तो आपका मेकअप फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग भी दिखेगा और केकी नहीं दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा गाइस। तो टीनेजर्स हैं या बिगनर्स हैं, तो सबको मैं सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट आप स्किन केयर करके ही मेकअप लुक क्रिएट करें। उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो केमिकल प्रोडक्ट आपके हार्मफुल नहीं होंगे स्किन को, और स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाती है। अदरवाइज आपको कोई केमिकल प्रोडक्ट साइड इफेक्टेड नहीं होती है। तो गाइस, बहुत ही मस्ट होता है मेकअप लुक में स्किन केयर करना। देन गाइस, यहाँ पे मैंने सीरम यूज़ किया हुआ है। सीरम से स्किन बहुत ही फ्लॉलेस हो जाती है, मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग दिखने लगता है गाइस रियली में। तो यहाँ पे मैंने सीरम यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड स्किन को सॉफ्ट रखता है। तो जितने भी हम केमिकल प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि फाउंडेशन या कंसील कोई भी, तो उससे क्या होगा गाइस कि हमारा स्किन जो होता है टाइटली हो जाता है फाउंडेशन से या कंसीलर से। तो मॉइस्चराइज़र क्या करेगा, उस चीज़ को टाइटन फील नहीं होने देगा, मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट रखेगा। तो जितने भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे ना, तो आपकी स्किन को वो वेटनेस नहीं महसूस होगी, लाइट वेट लगेगा मॉइस्चराइज़र की वजह से। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र गाइस मस्ट होता है यहाँ पे यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं गाइस कंसील करूँगी अपनी स्किन को। तो मैं एपीके का प्राइमर ऑलरेडी लगा चुकी हूँ गाइस, क्लिप ऐड नहीं यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मैं फर्स्ट अपना आई शैडो को फिलअप कर रही हूँ, कंसील कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आई शैडो बहुत ही फॉल आउट होता है। इसलिए मैंने अभी स्किन मेकअप नहीं किया हुआ है, फेस मेकअप में आई शैडो के आफ्टर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने आई शैडो के ऊपर कंसील कर रही हूँ, जिससे कि कंसीलर्स लगाना इसलिए आई शैडो के ऊपर मस्ट होता है गाइस, क्योंकि आप आईज़ के ऊपर अगर कंसील करके आई शैडो लगाओगे तो आपका आई शैडो बहुत ही थोड़े से आई शैडो बहुत ही अच्छे से उभर के दिखेगा। अगर आप कंसीलर कम मात्रा में लगाओगे अपने आईज़ के ऊपर, तो आपका आई शैडो कितना भी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाओगे ना, तो वो आई शैडो उभर के दिखता भी नहीं है, बहुत ही गंदा लगता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप आई शैडो यूज़ करें, अपने आईज़ के ऊपर अच्छे से कंसीलर करें। देन यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं मैंने मार्स का आईब्रो पाउडरिंग फॉर्म में आता है गाइस। यहाँ पे आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, जो पेंसिलिंग टाइप में आता है, पेंसिल फॉर्म में वो भी यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डार्क फॉर्म में आता है। ये बहुत ही मतलब कि लाइट फॉर्म में रहता है ये पाउडरिंग। तो मैं बहुत ही लाइटली अपने आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ। और कॉम करना इसलिए मस्ट होता है गाइस आईब्रोज को, कि जो हमारे आईब्रोज चिपक जाते हैं काजल की वजह से, वो चिपका नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से दिखेगा। तो गाइस, इसलिए कॉम करना मस्ट होता है। यहाँ पे मैं जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसका रिव्यू गाइस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो इसी से मैं कॉन्टोरिंग भी करूँगी। देन अभी फर्स्ट मैं अपना आई शैडो कम्प्लीट करने वाली हूँ। तो गाइस, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कलर चॉइस किया हुआ है। मुझे पता नहीं ये पिंक टाइप में आया है कलर, पिच कलर गाइस, इसे पिच कलर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पिच कलर लेकर अपना आई शैडो फ्लिप कर रही हूँ। तो आई शैडो फ्लिप करना इसलिए मस्ट होता है गाइस, कि जितने अच्छे से आप ब्लेंड करोगे ना, थोड़ी सी आई शैडो क्वांटिटी में आपकी जो ब्लेंडिंग अच्छे से होगी, तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आपका आई शैडो कम्प्लीट भी हो जाएगा और केक की नहीं दिखेगा, बहुत ही मतलब कि मतलब लगेगा कि प्रोफेशनल मेकअप है गाइस। तो इसीलिए ब्लेंड अच्छे से करो गाइस, जो भी मतलब बिगनर्स हो या टीनेजर्स हैं या आप कोई भी पार्टी मेकअप लुक कर रहे हो, तो मतलब आई शैडो को अच्छे से ब्लेंड करो, थोड़े से ही क्वांटिटी में। जितनी अच्छे से ब्लेंड होगी ना, हमारा आई शैडो उतना अच्छे से उभर के दिखेगा भी और मतलब अच्छा लगेगा, नेचुरल मेकअप टाइप में लगेगा गाइस। क्योंकि आफ्टर मैंने कंसील किया अपने जो हाईलाइट एरियाज पे और अपने आईज़ के पास, लिप्स के पास, जहाँ पे आपको डार्कनेस दिखती है, तो वहाँ पे कंसील करना होगा। फर्स्ट आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट टाइम कंसील किया होता प्राइमर के बाद। देन यहाँ पे मैं फिर कंसील कर रही हूँ, जहाँ की जितने डार्कनेस स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाए। तो कंसील के आफ्टर मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि फाउंडेशन पहले यूज़ कर लेते देन आफ्टर कंसीलर करते हैं। मैंने टू टाइम्स कंसील किया हुआ है। फर्स्ट कंसील किया हुआ था अपने डार्क स्पॉट्स को थोड़ा कम करने के लिए, देन आफ्टर फिर मैंने
आई शेडो के आफ्टर कंसील किया, देन अभी मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस, अब बहुत ही लाइट वेट है और फुल कवरेज देता है गाइस, बहुत ही कम प्राइस का ये फाउंडेशन है। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है लेकिन बट मैंने पर्पल से परचेज किया हुआ था, बहुत ही अच्छे प्राइस में ये पर्पल पे अवेलेबल है, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसकी भी रिव्यू ऑलरेडी शेयर है मेरे चैनल पे, आप देखना चाहते हो तो दे सकते हो। गाइस ये फाउंडेशन मुझे इसलिए इतना लाइकली लगा, मुझे नहीं पता था कि ब्लू हेवन का फाउंडेशन इतना अच्छा है गाइस, कि इतनी ग्लोइंग और फ्लॉलेस देती है कि बिना कंसीलर के भी अगर फाउंडेशन यूज़ करो ना तो आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस हो जाएगी गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्किन कितना फ्लॉलेस हो गया है एंड ग्लोइंग हो गई है, जो कि कुछ स्किन केयर के भी इफेक्ट होते हैं, और लेकिन ये रियली में बताऊँ तो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है गाइस रियली में। तो यहाँ पे गाइस मैं करूँगी कॉन्टोर, एक ही पैलेट से मैंने गाइस कॉन्टोर ब्लशिंग हाइलाइटिंग सब करने वाली हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि हर पैलेट के हर मेकअप के लिए आपको अलग अलग पैलेट की ज़रूरत पड़े, एक पैलेट से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, सारी मेकअप कंप्लीट कर सकते हो गाइस रियली में। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ ब्राउनी कलर से, तो आप स्किन के एक्रोडिंग इसमें से कलर भी चॉइस कर सकते हो। इसमें शायद मेरे 38 या 32 सारे सेट्स हैं, इसके अलग से मैंने रिव्यू शेयर किए हुए हैं जैकलिन हिल पैलेट का, तो आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे चीक पे चिन पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करूँगी ब्लश, तो ब्लश का कलर आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने मुझे लाइट ब्लश ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा डार्क ब्लश मैं यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग करूँगी गाइस, तो हाइलाइटिंग क्या होता है कि जब हम अपने चिक्स पे करते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने आईब्रोज के पास भी किया हुआ हाइलाइटिंग, जिससे कि ग्लोनेस और अच्छा लगता है हाइलाइटिंग एरिया जब हाइलाइटिंग हो जाती है। तो मैं नोज़ के पास हाइलाइटिंग कर रही हूँ, तो चिक्स के पास हाइलाइटिंग करने के आफ्टर में ब्रश से इसे मेल्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत केकी टाइप में लगता है, मुझे नेचुरल हाइलाइटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं ब्रश से अच्छे से मेल्ट करूँगी। ब्रश से मेल्ट करने के आफ्टर गाइस आप देखोगे तो मेकअप और भी अच्छा दिखता है गाइस रियली में बताऊँ तो हाइलाइटिंग सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो मुझे ब्रश से मेल्ट करने के आफ्टर हाइलाइटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गाइस मैंने NYB का आईलाइनर यूज़ किया हुआ है, NYB का आईलाइनर गाइस रियली में बताऊँ तो बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, बट मुझे आईलाइनर लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है गाइस, इट्स रियली डिफ़िकल्ट एंड बट आईलाइनर लगाने के बाद मेकअप और भी अमेजिंग दिखता है। देन मस्कारा लगा रही हूँ गाइस ब्लू हेवन का, ये मस्कारा वाटरप्रूफ है, लेकिन बट मैं कहूँगी गाइस बिगनर्स हो या टीनएजर्स हो या जो भी अगर मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं ना रियल में बताऊँ तो ये मस्कारा उन लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो NYV का ही यहाँ पे मैं काजल भी यूज़ किया हुआ है, देन अब अपने आईज के नीचे फिलअप कर रही हूँ आई शेडो कलर से, एंड मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटिंग भी करूँगी। लाइटली हाइलाइटिंग रखा हुआ है क्योंकि मुझे ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं चाहिए था, नेचुरल मेकअप टाइप में हल्का सा पार्टीवेयर मेकअप लुक क्रिएट करना था आईज। तो यहाँ पे मैं NYB का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने कंसीलर्स को सेट करने के लिए, जिससे कि हमारा कंसीलर और फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, बट NYB का कॉम्पैक्ट बहुत ही नेचुरल बेस्ड वर्क है, बहुत ही लाइट वेट है, तो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं उसी से टच करना ज़्यादा पसंद करती हूँ गाइस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैटमी का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही लाइट कलर था गाइस, बट कैमरे में इतना डार्क ये कलर दिख रहा था। तो इसे आप परचेस करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और मीशो पे भी अवेलेबल है गाइस, तो वहाँ से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस ये ज्वेलरी मैंने कहाँ से मंगाई थी, इसका हॉल जल्दी ही आने वाला है, तो ये मीशो की ज्वेलरी है गाइस। मैंने अपने हेयर्स को ज़्यादा कुछ लुक दिया नहीं है गाइस, हल्का सा क्लिप लगाया हुआ है एंड थोड़ी सी पंजाबी टाइप्स में लुक क्रिएट किया हुआ है गाइस, आप देख सकते हो समथिंग वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा अपने हेयर्स को छोटी की हुई है एंड देन थोड़े थोड़े हेयर्स को फॉल आउट किया हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा सिंपल सा सोबर सा पंजाबी लुक में क्रिएट हो जाता है, पार्टी मेकअप भी कह सकते हो। लोरी मेकअप आप करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट मेकअप लुक रहेगा गाइस। तो ये मेकअप लुक आप किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शंस में या किसी भी फेस्टिवल्स में भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको सिंपल सोबर मेकअप पार्टी मेकअप लुक चाहिए तो गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने हल्के हल्के अपने हेयर्स को निकाला हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा लुक अलग लगे। एंड जो इयररिंग्स है गाइस ये मैंने मीशो से मंगाई थी, इसका ज्वेलरी हॉल जल्दी आने वाला है। तो गाइस यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि इस जो चेन है लटकी हुई, उसको आप ईयर्स के ऊपर से भी डाल सकते हो और इसे नीचे लटकाकर भी छोड़ सकते हो, तो दोनों ऑप्शन से आप इसे वेयर कर सकते हो इस ईयरिंग्स को। तो ईयरिंग्स रियली में गाइस बहुत ही प्रीटी थे गाइस, आप देख सकते हो सच में बहुत ही प्रीटी ईयरिंग्स हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में मीशो पे अवेलेबल भी हैं।
तो गाइस कैसा लगा मेरा ये मेकअप लुक, सिंपल सोबर सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया हुआ है गाइस। अगर मेकअप लुक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को लाइक करेगा। और ये ड्रेस मैंने कहाँ से परचेज़ की गाइस, मीशो से, और इसका भी ऑलरेडी मीशो हॉल शेयर है ये ड्रेस मैं जहाँ से परचेज़ किया हुआ है, तो मैं इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे वेयर की हुई हैं या मेकअप का सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी गाइस। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन लव यू, बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। जो जो तू के देने और कोई के सकदा नहीं, तू जिद्दा पंगे लेने और कोई ले सकदा नहीं, तेनू छड भी सकदी हां रखिया कर मेरा डर वे, तू कल्ला ही सोना नहीं ज्यादा ना बने।